नमस्कार फ्रेंड, टेक्निकल वर्मा जी में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो जो है वो आपने अभी तक हिडन एंड प्रोमो कोड के वीडियो देखे होंगे। इससे पहले अभी आपने अगर यूट्यूब आप देखते हैं तो आपने देखा होगा, तो यहाँ पे चल रहा था एक यूपीआई का जो है एड मनी, और एड मनी उस पर चल रहा था जो आपका KYC आपने कर रखी थी, फुल KYC उस पर जो था वो वर्क करता था। अब वो वर्क नहीं करता है, मैं उसी पे जो है एक वीडियो आपको बनाकर दे रहा हूँ। मेरे को अभी तक नहीं वर्क किया, इससे पहले मैंने 2 दिन पहले देखा था, और 2 दिन देखने के बाद मेरे पास कुछ काम था, और काम करने के बाद मैं फ्री हुआ था कल की डेट में, तो मैंने उसको चेक किया तो मेरे पास लगभग 5 अकाउंट थे, तो मैंने 5ों पर एक्टिवेट करके देखा लेकिन किसी पर एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि भाई आप लोग जो है पूरा वीडियो देखा करें, और पूरा वीडियो देखेंगे तभी जो है आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग जो है वीडियो मेरा पूरा वॉच करें, ठीक है, पूरा देखें। तो चलिए दिखा देते हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ पहले होम पेज पर, और होम पेज पर आने के बाद मैं आपको पहले अकाउंट दिखा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं अकाउंट दिखा देता हूँ मेरे, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है मेरा KYC हो रखा है, और चलिए मैं अब आपको एड मनी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है एड मनी है, और एड मनी में मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है अमाउंट मांग रहा था 500 रुपये, तो चलिए मैं 500 दे देता हूँ। और हैव अ प्रोमो कोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है हमें मेरे को डालना है UPI, और यहाँ पे डालना था 10, कुछ इसी प्रकार का जो था वो यहाँ पे कोड दिखता था। यह दिख रहा है यहाँ पे ऑफ़र इज़ नॉट अप्लीकेबल ऑन दिस अकाउंट, यानी कि इस अकाउंट पे नहीं है। तो चलिए मैं आपको दूसरे अकाउंट को जो है ओपन करके दिखा देता हूँ, किसी भी भाई अकाउंट पे ये वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए मैं दूसरे अकाउंट पे यहाँ पे जो है करके आपको दिखा देता हूँ, हो सकता है आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके पास अकाउंट है हो सकता है आपके अकाउंट पर हो जाए, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर दूसरा अकाउंट जो है ओपन कर लेता हूँ फटाफट। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो है पासवर्ड और नंबर डालिए, तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। तो मेरा ये लॉगिन हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम दूसरा था, और ये भी फुल KYC है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे ऐड मनी पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से जो है अमाउंट मैं दे देता हूँ 500, और हैव अ प्रोमो कोड, यहाँ से जो कोड देना है मेरे को वो देना है UPI 10। तो आप देख सकते हैं मैंने अप्लाई कर दिया, ये भी यही बता रहा है कि ऑफ़र जो दिस ऑफ़र इज़ नॉट अप्लीकेबल ऑन दिस अकाउंट, ये अब ये जो है इस पर भी अप्लाई नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको तीसरा अकाउंट है वो भी मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप अमाउंट जो है नाम चेक कर सकते हैं, बार बार तीसरे अकाउंट का भी नाम चेंज है, ठीक। तो चलिए मैं यहाँ पे जो है आपको दिखा देता हूँ ऐड मनी करके। तो यहाँ पे मैं अमाउंट में 500, और हैव अ प्रोमो कोड में जो है UPI 10 डाल करके आपको अप्लाई करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी एक ही सेम एरर आ रहा है। तो चलिए मैं चौथे अकाउंट की बात कर लेता हूँ, मैंने इसको यहाँ से लॉग आउट कर दिया, और चलिए मैं चौथा अकाउंट जो है क्रिएट कर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं नाम एक बार फिर चेंज हुआ है, और यहाँ पे चौथा अकाउंट जो है मैंने क्रिएट कर लिया है। अब चलिए मैं ऐड मनी पे चलता हूँ। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे ऐड मनी में, और ऐड मनी में आने के बाद यहाँ से जो मेरे को अमाउंट में कर देना है 500, हैव अ प्रोमो कोड पे क्लिक, और यहाँ पे एंटर कर देना है UPI 10। तो मैं UPI 10 यहाँ से भी सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे भी नहीं हो रहा। 4 अकाउंट मैंने ओपन करके आपको दिखा दिए हैं, 4ों अकाउंट में नहीं वर्क कर रहा। अगर आपके पास है तो आप जो है चेक कर सकते हैं, हो सकता है वर्क कर रहा हो। तो मेरे पे वर्क नहीं कर रहा, तो मेरे को ये ऑफ़र बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने आपको वीडियो बना के दिखा दिया। अगर आपके में भी लग रहा है अमाउंट अगर अप्लाई हो रहा है आपके अकाउंट में, तो मेरे को ज़रूर से बताएं कमेंट में, ठीक है। चलिए तो यही था आज का वीडियो, वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।